लेकिन जो रेल हादसा हुआ है, बड़ा रेल हादसा, उस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है और बड़ी जानकारी है कि चार लोगों की जान चली गई है गोंडा ट्रेन हादसे में। ट्रेन हादसे में चार लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, उनकी मौत हो गई है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए ये सूचना अभी हमारे जो साथी हैं वीरेश पांडे, इन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम को मेरे सामने ही अभी फोन किया था और उनसे अपडेट लिया है, वहां से इनको कुछ ऑफिशियल जानकारी मालूम पड़ी है। वीरेश बताइए, ये जो चार की सूचना मिली, एग्जैक्टली क्या बताया आपको ब्रजेश पाठक ने? देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी चार लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, घायलों की संख्या कितनी है तो उन्होंने कहा कि अभी घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती किया। चार की पुष्टि हो गई है जो उनका ऑफिशियल सिस्टम है उससे उनको पता चला। जी, क्योंकि उनका ये कहना है कि गोंडा के डिप्टी सीएमओ, सीएमओ और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हैं और मैं उनसे लगातार संपर्क। स्वास्थ्य विभाग ने उनको बताया कि चार की वहां मृत्यु हो गई? जी, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बताया, वहां के सीएमओ ने। घायलों की संख्या के बारे में वीरेश क्या बताया उन्होंने? घायलों की संख्या के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर और स्पष्ट रूप से बताऊंगा, क्योंकि ऐसा इनपुट मैं आपको नहीं दूं जो गलत होगा। किस तरह के इंतजाम किए हैं वहां पर उन्होंने और वहां पर क्या सिचुएशन दिख रही, कुछ आपको उन्होंने जो उनके पास फीडबैक आया हो जमीन से ऑफिशियली? उन्होंने ये कहा कि मेरे जो सीएमओ हैं वो लगातार वहां के सीएससी पीएससी को अलर्ट पे रखा है उन्होंने और शासन के मैं भी संपर्क में हूं, पंचम तल के भी संपर्क में, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के भी संपर्क में है स्वास्थ्य मंत्री, लगातार लोगों के बीच वार्ता चल रही है और चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी बातचीत हुई है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो जो वीरेश बता रहे हैं और दूसरा जो संजय ने कहा, चूंकि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होती है और पुलिस का नेटवर्क वाकई, अगर आपको किसी भी इस तरह की स्थिति में जो पहला रिस्पॉन्स मिलना है तो पुलिस के जरिए मिलना है, तो मोतीपुर, झिलाही, उसके आसपास के जितने भी नजदीक से के पुलिस के पॉइंट हैं वहां से पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, वहां मदद देने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि पीएससी सीएससी का जो नेटवर्क है वो भी नजदीक होता है जो वीरेश ने बात की है, तो ये दोनों ही तरह से एक पुलिस के जरिए, एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि मौके पर जितना हो सके उतनी मदद कर दी जाए और जो फंसे हुए उनको वहां से निकाला जाए, जिनको घायल चोटें लगी हैं ज्यादा उनको तत्काल वहां से शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अभिषेक, उसे देखकर साफ तौर पर ये लगता है कि बड़ा हादसा है, बड़ा नुकसान हुआ होगा, हो सकता है कि हताहतों की संख्या बढ़ भी जाए। फिलहाल चार मौत की पुष्टि की गई है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये बड़ी जानकारी आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई है। इस ट्रेन हादसे में चार लोगों की जान चली गई है, राहत और बचाव का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं घटनास्थल पर, एक बार फिर से अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा। संजय त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास कुछ और जानकारी है। संजय, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए 10 कोच डिरेल हुए हैं और आप अंदाजा लगाइए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक कोच अगल बगल पड़े हुए हैं, कई क्षतिग्रस्त हैं सारे के सारे कोच और ज़्यादातर एसी कोच आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। अखिलेश, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, चार की दुखद मृत्यु इस घटना में हो गई है और 20 लोगों के घायल होने की खबर है, 20 लोगों के घायल होने की खबर है। इन घायलों को तत्काल जो आसपास मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, इनमें से कुछ की हालत गंभीर है जिनको हायर सेंटर रेफर करने की बात भी की जा रही है और उसके लिए सारा का सारा जो प्रबंध है, क्योंकि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको लगाया हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से लेकर के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद सबको, पूरी टीम को डिप्लॉय किया, पल पल की अपडेट लें और साथ ही साथ जिस तरह की भी जरूरतों की जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबको तत्काल उपलब्ध कराया जाए और पूरा किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग तो लगाई है, सारा का सारा जो उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शासन के लोग हों या अन्य जो भी महकमे हैं, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, रेलवे के साथ मिल करके सारी इंतजाम किए जा रहे हैं और घायलों को जो उपचार देने का काम है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन नंबरों पर फोन करके अपनों के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित नाते रिश्तेदार इस ट्रेन में सफर कर रहा था, उनके बारे में कुछ जानकारी आप जुटाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करके आप मदद भी ले सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा यह बताइए, ये जो रूट है इसके बारे में क्या और पता चल रहा है, कहां से कहां जाने वाली ट्रेन से यहां से गुजरती है, क्योंकि जो आवाजाही प्रभावित हुई है तो इससे कई ट्रेन हो सकता है कैंसिल वगैरह भी हो।
बिल्कुल, देखिए इसी जुड़ा मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो जानकारी है, दो गाड़ियों की जानकारी मिली है रेलवे की ओर से, जिनका की रूट बदला गया है। ये मनकापुर अयोध्या और बाराबंकी होकर के इनको चलाया जा रहा है। इनमें से एक कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस है 15,707 और दूसरी है गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, ये 15,653। इनका रूट बदला गया है और ये मनकापुर से अयोध्या और बाराबंकी ये वाला रूट कर दिया गया है। और देखिए आप जो पूछ रहे हैं मनकापुर, वीरेश मेरे साथ खड़े हैं, मनकापुर बड़ा जंक्शन है, मनकापुर और गोंडा, गोंडा बड़ा जंक्शन है और मनकापुर गोंडा से ठीक पहले, ये वो जगह है, हर लगभग हर प्रमुख गाड़ी मनकापुर गोंडा तो स्टॉपेज होता है लेकिन मनकापुर भी स्टॉपेज होता है वीरेश, जो इस रूट पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं। मनकापुर में जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रमापत शास्त्री हैं, जो जानकारी है कि वो भी अपने दल बल के साथ पहुँच रहे हैं राहत और बचाव कार्य के लिए, साथ ही साथ NDRF की जो टीम है और उसमें जो जितने एम्बुलेंस लगाई हैं, 5 एम्बुलेंस लगाई गई है और राहत आयुक्त हैं, जो राहत NDRF की ओर से 5 एम्बुलेंस, ये क्या मौके पर पहुंच गई है, रवाना है, उन्हें रवाना कर दिया गया है NDRF की तरफ से। SDRF की टीम पहुंच गई है, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि गोंडा SDRF की टीम पहुंच गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।